उपले में रहती है, अंडे में रहती है, तो उसका संसार क्या लगता है? सिर्फ यही एक संसार में है ना। आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन फिर आप वहाँ से पढ़े होंगे कि वो अंडा जब फूट के चिड़िया वहाँ से पैदा होती है तो घोंसले में जब तक रहती है, फुदर फुदर कर पेड़ की डालियों पे चलती है, तो उन्हें पता चलता है कि यही मेरा संसार है। इसी तरह हम लोगों को भी यही पता चलता है कि संसार जो है वो सिर्फ इतना में ही सिमट जाता है। नहीं, आप जब देश को भ्रमण कीजिएगा, सिर्फ आप क्या सोचते हैं, अपने फायदा के बारे में सोचते हैं, है ना। अपना फायदा के बारे में मत सोचिए, मनुष्य में जन्म लिए हैं तो अपना फायदा के बारे में ही सोचते हैं, है ना। मनुष्य मनुष्य का सेवा धर्म नहीं करेगा तो कौन करेगा? दूसरे के विकास के बारे में सोचिए, देखिए आपको कितना फायदा मिलेगा, कितना आपको सुख चैन भी मिलेगा। एक चीज बता देते हैं, अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आपके दिल में खुशी नहीं होती है किसी भी चीज के लिए, अगर आपको खुशी नहीं होती तो आप एक चीज जरूर कीजिएगा कि आप दूसरों को खुश रहने के लिए प्रेरित करने लगे, दूसरे को खुश ऐसा बात करिए, कुछ ऐसा दूसरों के लिए कीजिए, देखिएगा आपका खुशी जो है कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा और समय लेते 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 आपको दिन ब दिन खुशी मिलते रहेगा। मनुष्य को ये जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों पैसा कमाए, पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती है ना। सम्मान खुशी सबसे बड़ा मकसद है जिंदगी जीने का, सबसे बड़ा मकसद होता है खुश रहना, है ना। जो मनुष्य खुश रहना सीख पता चल गया खुशी किसमें मिलती है, वो एक बेहतरीन इंसान होता है। बेहतरीन इंसान वो नहीं कि जो सिर्फ पैसा रहे उसके पास अपार धन संपदा रहे, वो खुश तभी रह सकता है, खुश वो रह सकता है जो दूसरों को हमेशा मदद करता है, है ना। आपके पास जरूरत से ज़्यादा धन है तो आप दूसरों को मदद करिए, है ना। ये एक खुशी मिलेगा आपको, जितना खुशी मिलेगा उतना आपको पता नहीं चल पाएगा कितना खुशी मिलेगा। दूसरे भी आपको खुशी, दूसरे भी संसार में हम लोग जन्म लिए हैं तो क्या होता है, मनुष्य का कर्तव्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ अपना फैमिली को देखनी है, अपना फैमिली के बारे में सोचनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए ना, दूसरे का मदद करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, एक शब्द आप लोग जरूर सुनाएगा, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या होता है ना, संसार जो है एक सिमटता हुआ रूप है, इसमें हम लोगों को मदद करना चाहिए, सभी को आपस में मदद करना चाहिए और संसार तभी चल सकता है ना। अभी हमारा देश में सबसे बड़ा दुविधा क्या है, मेरे मानने के अनुसार हमारा देश का सबसे बड़ा दुविधा है एक जात और एक भाषा। सोच के देखिए, हमारा देश को नुकसान पहुंचाता है तो सिर्फ दो चीज़ पहुंचाता है, एक जात पहुंचाता है और एक भाषा पहुंचाता है। आप तमिलनाडु में बैंक पीओ का नौकरी लग गया तो नहीं जाके करना चाहता है, बोलता है वहाँ का भाषा ही नहीं समझ में आएगा, है ना, वहाँ परेशानी होगी मुझे जीने के लिए, है ना, तो छोड़ देता है। यहाँ क्लर्क का नौकरी झारखंड बिहार में कर लिया, जबकि वहाँ उसे 30-35 हज़ार 40 हज़ार का पर मंथ का इनकम होता है, वहाँ नहीं जाता है, बोलता कि नहीं यार हम यहीं पर रह जाते हैं 15 हज़ार में, वहाँ का भाषा हमको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ का दिक्कत होता है, क्यों होता है हमारा देश, हमारा देश में भाषा अलग अलग है, हजारों भाषाएँ में बटा हुआ है, राज्य बटा हुआ है ना, तो ऐसा दूसरे देश में नहीं है। दूसरे देश में सक्सेस करने का मूल मंत्र क्या, एक भाषा होना चाहिए ना। ये चीज़ हमेशा हम लोग सोचना चाहिए, कि एक भाषा होता हमारा देश में हम सब लोग एक सूत्र में बन जाते, एक अगर जात होता हम लोग एक सूत्र में बन जाते, सब आपस में भाई भाई होते, लेकिन हमारा देश में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी हम लोग किसी भी जाति में हैं, नहीं सोचना उस चीज़ को, है ना। यहाँ सब स्टूडेंट हैं, एक इस चीज़ को कभी नहीं सोचना कि तुम ये जात का है वो जात का है, कभी नहीं सोचना, हम लोग एक हैं, है ना। जब देश की बात आएगी तब क्या करोगे, जब देश की आएगा, जब देश पे चीन चढ़ाई कर देगा, पाकिस्तान चढ़ाई कर देगा, उस समय क्या करोगे, है ना। देश कहता है कि देश के लिए मर मिटेंगे, क्या मिटोगे, खाक। जब अपने समाज की भलाई नहीं कर पाते हो, है ना, देश के लिए क्या मिटोगे तुम, बता दे मुझे, नहीं मिट सकते, अपने बारे में सोचते हो नहीं मिट पाते। इस चीज़ के बारे में हमेशा सोचना है कि सिर्फ अपनी भलाई नहीं, देश का भलाई कैसे होगा, हमारे समाज का भलाई कैसे होगा। हम अपने समाज के बारे में जब तक सोचना नहीं सोचेंगे तब तक एक सही नागरिक नहीं कहला सकते हैं। स्टूडेंट सही कहला लोगे तुम तेज बहुत बन जाओगे, लेकिन सही नागरिक नहीं बन सकते, है ना। एक नागरिक, सच्चा नागरिक की पहचान वही होती है जो अपने समाज के बारे में सोचे, किसी भी क्षेत्र में है वो अपना समाज में रह सकता है। आप हर चीज में अपना दिमाग लगाइए, क्या होता, सिर्फ पढ़ाई में लगाने से क्या एक अच्छा इंसान बन जाओगे, नहीं, है ना। चोर भी रहेगा, चोरी भी कर लेगा और एक अच्छा मतलब इंसान का रूप दिखाएगा, साइड में चोरी करेगा, रात में चोरी कर लेगा और दिन में अच्छा इंसान बनना चाहेगा, तो वैसा नहीं है ना। अपने अपने अंतरात्मा को पूछो कि क्या हम सही काम कर रहे हैं,
क्या अभी जो हम समय गंवा रहे हैं 24 घंटा का समय होता है, अपने 24 आवर अपने समय के बारे में सोचो कि क्या हमने जो इस समय को यहाँ पे व्यतीत कर रहा हूँ ये क्या सही है मेरे लिए, क्या हम अपना समय को दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। अपने बारे में जब सोचेगा, अपने बारे में जब इस चीज़ के अपने अंदर आत्मा से पूछेगा, अपने अंदर दिल से पूछेगा, तो पता चलेगा कि नहीं गलत है ना, मुझे यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ दूसरा काम करना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में हमेशा सोचिए। और जॉब, हम लोग स्टूडेंट हैं, हमेशा जॉब के लिए इच्छुक रहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि जॉब तो आपका जगह पे है ना, उसे आपको पाने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको जॉब प्राप्त करने के लिए, आपके लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य आपका एक जगह पे रहता है, आपका वो जगह है, आपको वहाँ पहुँचना है। कैसे पहुँचिएगा? आपने जब से लिया तब से आप पहुँचते जॉब की ओर पहुँच गए, लगभग 90% जॉब की ओर पहुँच गए, 10% जो बहुत कठिनाई आपको देगा है ना, आपका परीक्षा लेता है, आपका जिंदगी आपसे परीक्षा लेती है, ये जॉब है और आपको पहुंचना है 90% आप पहुंच चुके हैं, ये चीज मान लीजिए, ये मेरा मानना है 90, वो 10% आपको बहुत प्यावा लगेगा, बहुत कठिनाई करेगा है ना, तो उस 10% के लिए आपके दम खम लगा देना पड़ेगा, आप वहाँ से विचलित ना हो। ये कहने का मतलब है आप वहाँ से विचलित ना हो, आप अपने एम को प्राप्त करने के प्रथम प्रयास करें। साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, कई साल लग सकता है, लेकिन आपका जब तक अपना उम्र है उस उम्र को लगा दीजिए। आप अगर इस चीज़ को लेकर सोचिएगा जिंदगी में आगे बढ़ेगा, कोई आपको विचलित नहीं कर सकता है ना, आप अपना जरूर प्राप्त कर लीजिएगा एम जो रहेगा। और एक इंसान अगर जन्म जब से लिया है तब से अपना एम को अगर प्राप्त नहीं कर पाया, अपना एम को चेंज कर दिया, तो भविष्य में अपने आप को जरूर कोस लेगा है ना, और वो कोसना ना पड़े है ना, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि अपना एम को चेंज नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी भी इंसान से, चाहे अपना बैच में ही अगर हम अपना पूछ रहे स्टूडेंट से, यदि आप लोगों के बीच में अगर यहाँ 50 स्टूडेंट बैठा हुआ है, 50 से पूछा जाए कि बताइए जी क्या आपका एम है, क्या आपकी बनने की राय है, क्या देश के लिए करना चाहते हैं, तो बस इतना सा आएगा आवाज़, इतना किसी किसी का आवाज़ आएगा, उस आवाज़ से मुझे लगेगा कि सिर्फ आप सेल्फिश बन गए हैं, आप बनना चाहते हैं किसी एक डॉक्टर, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं कुछ नहीं है ना, समाज के लिए कुछ नहीं, अर्निंग करना चाहते हैं, अर्निंग पैसा की अर्निंग ये नहीं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बन के देश के लिए क्या कीजिएगा है ना, वो चीज़ को सोचना जरूरी है। अपना सोच बदलो है ना, इंजीनियर क्यों बोल देता हूँ, डॉक्टर क्यों बोल देता हूँ, एक ऑफिसर क्यों बोल देता हूँ, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बोल देता हूँ कि हम एक ऑफिसर बनेंगे, वहाँ से पैसा का कमाई होगा, नहीं इस चीज़ का मतलब तो ये सोच, ये नजरिया बदलो, सिर्फ पैसा कमाना के लिए, पैसा गलत बड़ा मान नहीं होती है ना, आप अपना सोच बदल के हर देश के प्रति सोचिए, समाज के प्रति, समाज आपका बहुत पिछड़ा हुआ है, आप अगर इस चीज़ को अपना समाज पर गौरवान्वित होते हैं, तो आज के डेट में आपको दूसरे देश के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वहाँ का समाज क्या है, वहाँ विकास की ओर कितना विकास की ओर हो गया। रूढ़िवादी समाज के बारे में मत सोचना है ना, रूढ़िवादी मतलब प्राचीन ख्यालों में मत जीना, प्राचीन ख्याल में क्या करना है कि हम लोग भारत में, भारत रूढ़िवादी देश में गिना जाता है सबसे ज़्यादा है ना, वाता ज्यादा होता है यहाँ पे, वो चीज नहीं सोचना हमको, हमको विकास की ओर देखना है, तो विकास अभी विकासशील देश कौन है, इंडिया है विकासशील देश, विकसित देश कौन है, क्यों नहीं हम विकसित हो सकते हैं, हमारा देश का जनसंख्या इतना है, हमारे देश में इतना नागरिक है, हमारा देश इतना लैंड प्रॉपर्टी है, जिसके पास लैंड प्रॉपर्टी है उसके पास खनिज संपदा की कमी होगा क्या, नहीं हो सकता खनिज संपदा कम बोली, लेकिन उस खनिज का दुरुपयोग करते हैं हम लोग क्या बन गए हैं, सिर्फ अनाज का दुश्मन बन के बैठे हैं है ना, और सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि एक दूसरे देश के बारे में, देशों का नाम लेंगे हम, अभी चाइना का सामान को हम लोग यूज करते हैं जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आज के डेट में है ना, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना बन के बैठा हुआ है ना, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सके अगर चाइना उसका सपोर्ट ना करे, चाइना का सपोर्ट से उछलता है ना, क्यों उछलता है, उसका WTO से हम लोग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से चाइना को सपोर्ट कराएं, हम अपना देश से गुजारिश करेंगे कि चाइना का सामान हम लोग ले ही नहीं, क्या हम कभी नहीं जीवित होते थे क्या, जब चाइना का सामान नहीं आता था क्या हम लोग जिंदा नहीं होते थे क्या, उस देश से नफरत कीजिए जो आपके खिलाफ हमेशा सोचता है, उस देश से नफरत करना सीखे हम लोग है ना, पाकिस्तान से नाम कितना अच्छा है पाकिस्तान है ना, पाक समझता है उसका नागरिक, वहाँ पे पाक मतलब क्या होता है, नहीं हमारे सैनिक को सोए हुए सैनिक को मार देता, सोच करो कितना घृणा हत्या, सोए हुए सैनिक को मार देता।
अरे सामना ही करना है कुछ दिनों, सामने से आके सामना कर, तब पता चलेगा हमारे देश के नागरिकों में क्या हदस है। अटैक मार रहे हैं 1971 का विश्व युद्ध जब हुआ था, युद्ध हुआ था भारत।